मेरा नाम सुबोध भदौरिया, कंडेल बल कॉलेज से। हुआ ये है कि हमारा पेपर हुआ था 9 मई 2022 को, EDU 1 का, उसी दिन पेपर हुआ EDU 2 का। अगले दिन 10 तारीख को क्या कहते पेपर हुए थे अलग दो सब्जेक्टों के, विज्ञान और साइंस और मैथ और क्या कहते हिंदी का। इन पेपरों में जो हमारा जो कॉपियाँ चेक हुई 9 तारीख की, जो कॉपी चेक हुई EDU 1 की, उसमें क्या करा था इन लोगों ने, कॉपियाँ बंडल निकाले, उसमें से पैसे ऐसे झाड़े हैं, कुछ भी करा, कॉपियाँ उन्होंने दोबारा खोली हैं, पैसे लेके कॉपियाँ लिखते भी हैं ये लोग, ऐसा सुनने में आया है। और क्या कहते हैं कॉपियों से पैसे निकाले, जिस कारण हमारी कॉपियाँ रह गई एक बंडल। इन्होंने वो 9 तारीख की डाक जो जानी थी उसे इन्होंने 10 तारीख में फॉरवर्ड करा, तो गलती से गलत की कॉपियों के संग में सुल्तानपुर या किसी दूसरे सब्जेक्ट की कॉपियों के संग दूसरी डेट चली, क्योंकि एक डेट में एक ही सब्जेक्ट की कॉपियाँ चेक होती हैं तो जो निर्धारित है। तो इन्होंने क्या करा, वो बंडल दूसरे में डाल के, और क्या कहते हैं उन्होंने मतलब कॉपियाँ डाल के दूसरे में चेक कर दी, जो सुल्तानपुर डेट ने चेक नहीं करी वो कॉपियाँ उन्होंने उसको लिख के लेटर लगा के अपना PNP भेज दी। PNP वालों ने क्या करा, वो कॉपियाँ रख ली अपने पास, दबा के बैठ गए और लेटर जारी करा क्या कहते हैं डेट के लिए। डेट वालों ने 4th क्लास के दो एक कर्मचारी या 3rd क्लास के कर्मचारियों को उन्होंने दोषी और बना के उन पे एलिगेशन लगा के उन्हें सिद्ध करके और पूरा मामला दबा गया। उसकी रिपोर्ट उन्होंने डाइट प्रेसित PNP प्रेसित कर दी डाइट वालों ने, जिसमें क्या कहते हैं डाइट प्राचार्य मुन्ने अली और वरिष्ठ प्रवक्ता दिनेश कुमार और पटल सहायक ऋषिकेश जी और वरिष्ठ प्रवक्ता महेंद्र कुमार द्वितीय और एक कोई मोमन है अली करके उनका, वो लोग शामिल थे। इनकी टीम ने जाके CA सेंटर कॉलेज में जाँच करी और उन्होंने डिवार कर दिया, कुछ भी करा और वहाँ से पैसे लेके पूरा मामला दबा दिया। और हम बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी कल तीन तारीख हम 63 बच्चे हैं सारे, खंडेलवाल कॉलेज के 42 बच्चे हैं और 5 तारीख और 2022 तक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं को फॉर्म भरने जाने हैं। पर हमारा अभी ये निर्धारित नहीं कि हम पास है फेल, कुछ बच्चों की 2 में फेल बैक है, कुछ की 3 में बैक है। इसका 2 में बैक है वो क्या कहते हैं सेमेस्टर बैक हो जाएगा और उन लोग का भविष्य खराब हो रहा है और टेट किसी लायक नहीं छोड़ा। शिकायत ये क्या अपन इतनी देर से बताना, शिकायत ही तो बता रहे हैं। हम कोर्ट जा रहे हैं, अगर यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हो रही तो हमारा हाई कोर्ट का पूरा हमने बना रखा है और ये हमने IRS पोर्टल डाल रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है अनिल भूषण चतुर्वेदी जी की जो कह रहे हैं कुछ भी IRS वगैरह करते रहो, हम IRS से नहीं डरते, हम उसका जवाब देंगे। मैं आपको रिकॉर्डिंग साक्षी के साथ सुना सकता हूँ। कौन से स्कूल से आप लोग, क्या समस्या है? हमारा क्या कहते हैं BDC का रिजल्ट जो जारी हुआ था उसमें हमारी एक सब्जेक्ट की कॉपी मिसिंग आ रही थी, हमने शिकायत करी IRS।